इनकॉर्पोरेशन स्टेज। सो इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी इज द सेकेंड स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी क्या होता है? ये सेकेंड स्टेज होता है फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में। इनकॉर्पोरेशन रेफर्स टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। सो द मेन स्टेप अंडर द इनकॉर्पोरेशन स्टेज आर, तो इसमें सबसे मेन स्टेप कौन कौन सा होता है? सो फर्स्ट वन इज फिलिंग ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट। सो वंस द रजिस्ट्रार अप्रूव द नेम, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट हैव टू बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रार क्या करता है, नेम को अप्रूव करता है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट क्या है, सबमिटेड होता है रजिस्ट्रार को। फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेकेंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, थर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ द ऑथोराइज्ड कैपिटल, सेकेंड इज अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम्स एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन एंड द एज, द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर टू एक्ट एज अ डायरेक्टर्स, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन स्टेटिंग दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बनाना पड़ता है? पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव कंपनी के क्या है वो मेंशन होता है, आर्टिकल एसोसिएशन देना पड़ता है, स्टेटमेंट ऑथोराइज कैपिटल का देना पड़ता है, देन लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर नेम, जो भी डायरेक्टर हैं उनका नेम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ऑक्यूपेशन एंड द एज ऑफ द डायरेक्टर, द रिटन कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर, जो रिटन कंसेंट है डायरेक्टर का एज अ जो एक्ट डायरेक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं उनका, नोटिस ऑफ द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, जो नोटिस है एड्रेस का कि जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है कंपनी का उसका, एंड द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन, जो डिक्लेरेशन देना पड़ता है दैट ऑल फॉर्मेलिटीज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी आर ड्यूली कंप्लीटेड। ठीक है, जो भी फॉर्मेशन है रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वो क्या हो गया, सारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ द फीस। सो अलॉन्ग विद द फिलिंग ऑफ अबव डॉक्यूमेंट्स द प्रिस्क्राइब फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन हैव ऑल्सो बी डिपॉजिट। ठीक है, कि जो भी सारे अबव डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ साथ क्या करना पड़ता है कि द प्रिस्क्राइब फीस भी क्या करना पड़ता है, प्रिस्क्राइब फीस जो है रजिस्ट्रेशन की वो भी डिपॉजिट करना पड़ता है, एंड द अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। कि जो भी रजिस्ट्रेशन की फीस है वो किस पर डिपेंड करती है, कि अमाउंट क्या है ऑथोराइज कैपिटल का। नेक्स्ट वन इज रजिस्ट्रेशन। सो कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या है? सो द रजिस्ट्रार वेरीफाइज ऑल द डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रार क्या करता है, वेरीफाई करता है सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट जो होते हैं, एंड ही ऑल्सो चेक्स द रिसिप्ट ऑफ द फी डिपॉजिट। और वो क्या करता है, वो ये भी चेक करता है, रिसिप्ट को भी चेक करता है जो भी फीस डिपॉजिट का, एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड विद द वैलिडिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, कि अगर वो सेटिस्फाई होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट है वो वैलिड है या नहीं, वो ऑथेंटिक है या नहीं, देन द रजिस्ट्रार एंटर द नेम ऑफ द कंपनी इन हिज रजिस्टर। फिर क्या करता है रजिस्ट्रार, जो कंपनी का नाम है रजिस्टर में ऐड कर लेता है। फोर्थ क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सो आफ्टर एंटरिंग द नेम ऑफ द कंपनी इन द रजिस्टर, द रजिस्ट्रार इशूज अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, जैसे ही रजिस्ट्रार क्या करता है, नेम को एंटर कर लेता है रजिस्टर में, तो रजिस्ट्रार इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसको इशू करता है। फ्रॉम दिस डेट, इस डेट के ऑनवर्ड क्या होता है, कंपनी क्या है, कंसीडर्ड हो जाती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह। ठीक है, इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इफेक्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। सो अ कंपनी इज लीगली बॉर्न ऑन द डेट प्रिंटेड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कि कोई भी कंपनी उसी दिन बॉर्न होती है, बनती है, जिस दिन उसके सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन पे उसका जो दिया रहता है कि किस डेट को दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 सितंबर को दिया है, तो 6 सितंबर का मतलब है कि आज ही के दिन बिजनेस क्या है, कोई कंपनी बॉर्न हुई है, आज ही के दिन बिजनेस या इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या होता है, ये इसको सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह किया जाता है, विच परपेचुअल सक्सेशन। और परपेचुअल सक्सेशन होता है कि जो भी डिफरेंट मेंबर्स है वो मे बी कम और मे बी
गो, बट उनको क्या है कि सारा लीगल जो फॉर्मेलिटीज है उसको करना ही पड़ेगा. सो द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी. जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का वो क्या होता है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है. एक एविडेंस होता है कि अब कोई कंपनी क्या है, लीगली एग्जिस्ट कर रही है. वॉट एवर मे बी द डेफिशिएंसी इन द फॉर्मेलिटीज, कोई भी डेफिशिएंसी, कोई भी कमी है अगर किसी भी फॉर्मेलिटीज में, वन द सर्टिफिकेट इज इशूड, जैसे ही बस सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, इट इज़ कंक्लूसिव एविडेंस दैट, फिर उसका एक एविडेंस हो जाएगा दैट द कंपनी केम टू एग्जिस्टेंस ऑन द डेट, कि कंपनी क्या है एग्जिस्टेंस में आ जाएगी उस डेट पे विच इज मेंशनड ऑन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे मेंशन है उसी डेट पे क्या है कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाएगी. ठीक है. सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, फॉलोइंग पॉइंट्स विल मेक इट मोर क्लियर. जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो ज़्यादा क्लियर कर रहा है. देन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वॉज इशूड ऑन 24 अगस्त. ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का वो इशू कब होगा, 24 अगस्त को. वेयर एज ऑन द सर्टिफिकेट डेट इट वॉज रिटन ऑन द 22 अगस्त. ठीक है, जो सर्टिफिकेट है इनकॉर्पोरेशन का उसमें डेट लिखी है 24 अगस्त, और जो सर्टिफिकेट डेट रिटन है 22 अगस्त, देन कंपनी इज कंसिडर टू बी बॉर्न ऑन 22 अगस्त ओनली. तब कंपनी क्या है, किस दिन उसको एज अ माना कंसिडर किया जाएगा, 22 अगस्त के ही दिन उसको क्या किया जाएगा, बॉर्न कंसीडर किया जाएगा. सो ऑल डीलिंग्स कैरीड ऑन द 23 अगस्त विल बी कंसीडर्ड लीगल. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज 23 अगस्त को की जाएंगी वो सारी लीगल होंगी, ऑल दो द सर्टिफिकेट वॉज इशूड ओनली ऑन 24. भले वो सर्टिफिकेट 24 को इशू हुआ और उस पर डेट मेंशन है 22, तो 22 को ही बिजनेस क्या है एज अ कंपनी माना जाएगा, उसको कंसीडर किया जाएगा कि वो बॉर्न हो गई है. सो आफ्टर इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, इट वॉज फाउंड, ये फाउंड किया जाएगा दैट पर्सन हैड फॉरगॉट सिग्नेचर ऑन द मेमोरेंडम. ठीक है, कि पर्सन क्या है सिग्नेचर कर देगा मेमोरेंडम पे, बट देन ऑल्सो इनकॉर्पोरेशन विल बी कंसिडर्ड वैलिड. ठीक है, तब भी जो इनकॉर्पोरेशन है बिजनेस का, जो बिजनेस सेटअप हुआ है उसको वैलिड माना जाएगा. नेक्स्ट है कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज. सो आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन द प्राइवेट कंपनी गेट फॉर्मुलेटेड एंड कैन कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटीज. ठीक है, जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा द प्राइवेट कंपनी क्या है फॉर्मुलेट हो जाएगी एंड कैन बी कमेंस देयर बिजनेस एक्टिविटी, और अपनी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है उसको स्टार्ट कर लेगी. बट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू परफॉर्म अ थर्ड स्टेज एंड गेट दी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पनसेशन. बट जो पब्लिक रिलेटेड जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको थर्ड स्टेज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, और कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट भी उसको लेना पड़ेगा. ठीक है. सो द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन स्टेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आर, जो स्टेप इन्वॉल्व्ड हैं, पहला क्या है आपका सेबी अप्रूवल. सो सेबी इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. इट इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी. ये क्या है, रेगुलेटरी बॉडी है विच कंट्रोल द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया. जो क्या कंट्रोल करती है, कैपिटल मार्केट, जहाँ पे जो भी सारे गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज हैं वहाँ पे परचेज और सेल किए जाते हैं, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. कि जो भी डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट सबमिट ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विद द सेबी. कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो क्या करेगी, सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को सेबी को सबमिट करेगी बिफोर इशूइंग इट्स सिक्योरिटीज. कैपिटल मार्केट में इशू करने से पहले सारी क्या है कि सबमिट करना पड़ेगा सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सेबी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को. सो कंपनी शुड नॉट हाइड एनी मटेरियल फैक्ट फ्रॉम द सेबी. कोई भी कंपनी सारे जो भी अपना उनका फैक्ट है, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है, वो सेबी से हाइड नहीं कर सकती है कि वो सिक्योरिटीज इशू करे 100 तो वो बस शो करे 80. नहीं, वो कुछ भी हाइड नहीं कर सकती है. एल्स देयर रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन फॉर डिस्क्लोजर एंड द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. नहीं तो उनकी क्या है, जो भी उनका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, किसके अंडर, जो गाइडलाइन दी है डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000 के अंडर, अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा उनका रजिस्ट्रेशन. नेक्स्ट है प्रॉस्पेक्टस और अ स्टेटमेंट इन लीव ऑफ प्रॉस्पेक्टस. इन लीव ऑफ मीन्स इन फेवर ऑफ. सो
पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कॉल प्रॉस्पेक्टस. ठीक है, जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उनको क्या करना पड़ता है कि एक अनदर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है जिसको क्या बोलते हैं प्रॉस्पेक्टस. सो इट इज़ अ सर्कुलेशन और इन्विटेशन, एक सर्कुलर और इन्विटेशन होता है इशूड टू इन्वाइट द जनरल पब्लिक कि बेसिकली जो भी जनरल पब्लिक है उनको इन्वाइट करने के लिए फॉर सब्सक्राइबिंग टू द शेयर्स ऑफ द कंपनी कि जो भी कंपनी के शेयर्स हैं उनमें सब्सक्राइब करने के लिए. दिस डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड विद द रजिस्ट्रार और ये डॉक्यूमेंट क्या है रजिस्ट्रार के पास उसको डिपॉजिट करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज अपॉइंटमेंट ऑफ द बैंकर्स ब्रोकर एंड द अंडर राइटर्स. सो टू रिसीव एंड डिपॉजिट द एप्लीकेशन मनी बैंकर्स आर अपॉइंटेड. ठीक है, मनी को रिसीव करने के लिए डिपॉजिट करने के लिए बैंकर्स क्या है जो भी डिफरेंट बैंक से रिलेटेड बैंकर्स होते हैं उनको क्या किया जाता है अपॉइंट किया जाता है. टू सेल द शेयर्स ब्रोकर्स आर अपॉइंटेड कि शेयर्स को सेल करने के लिए क्या ब्रोकर को अपॉइंट किया जाता है. दे इनकरेज पब्लिक टू बाई द शेयर्स, वो क्या करते हैं पब्लिक को इनकरेज करते हैं कि वो डिफरेंट शेयर्स को बाय करें एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम और उस पर वो कमीशन भी चार्ज करते हैं. सो इफ़ द कंपनी इज़ नॉट श्योर फॉर सेलिंग द होल लॉट ऑफ शेयर्स इट मे अपॉइंट अंडर राइटर. और इस कंडीशन में अगर कंपनी ये श्योर नहीं होती कि वो अपने सारे शेयर्स को क्या करेगी सोल्ड आउट कर देगी तो वो अंडर राइटर को क्या करती है अपॉइंट करती है. दे अंडर राइट द शेयर एंड चार्ज कमीशन फॉर द सेम, वो क्या करते हैं शेयर्स को अंडर राइट करते हैं एंड देन चार्ज उस पर कमीशन भी वो चार्ज करते हैं. तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. सो टू मेक श्योर दैट कंपनी डज नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ फंड इट इज़ मेड कंपल्सरी दैट कंपनी मस्ट रिसीव एप्लीकेशन फॉर दिस सम मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स. ठीक है, कि मेक ये श्योर करने के लिए कंपनी डज नॉट हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड का शॉर्टेज ना हो इट इज़ मेड कंपल्सरी, ये कंपल्सरी कर दिया जाता है कि कंपनी क्या करे एप्लीकेशन रिसीव करे फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स का उसको एटलीस्ट एप्लीकेशन रिसीव करना है. सो इट इज़ दिस इज़ कॉल्ड द मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसी को क्या बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव कि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, वो शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकती अनलेस अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज रिसीव, जब तक उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड नहीं हो जाता है. सो एज पर द रूल ऑफ सेबी के रूल के अकॉर्डिंग अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% ऑफ द इशूड अमाउंट कि कंपनी को क्या है 90% एटलीस्ट क्या है इशूड अमाउंट होना चाहिए विद इन द 20 days ऑफ इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस. जैसी वो प्रॉस्पेक्टस को इशू करती है उसके विद इन 120 days के अंदर उसके पास क्या होना चाहिए 90% इशूड अमाउंट होना भी चाहिए. सो इन केस द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव कि अगर इस केस में कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है देन द कंपनी मस्ट सेंड बैक और रिटर्न द एप्लीकेशन विद इन द नेक्स्ट 10 days. ठीक है, अगर उतना उसको नहीं मिल पाता है देन कंपनी क्या है बैक कर देगी सारे एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगी विद इन द नेक्स्ट 10 days अगले 10 दिन के अंदर, मतलब टोटल 130 days के अंदर जब से वो प्रॉस्पेक्टस को इशू किया है वो सारा एप्लीकेशन को रिटर्न कर देगी. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज. सो अ फर्म मस्ट गेट इटसेल्फ लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज बिफोर सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज टू द जनरल पब्लिक. ठीक है, फर्म को क्या करना है अपने को लिस्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज में बिफोर सेलिंग इट्स सिक्योरिटीज इन द जनरल पब्लिक. जनरल पब्लिक को सोल्ड करने से पहले कोई भी स्टॉक एक्सचेंज को कोई भी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज के साथ अपने आप को क्या करना पड़ता है रजिस्टर करवाना पड़ता है. द कंपनी मे अप्लाई इन द एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज टू गेट द परमिशन कि कंपनी क्या है अप्लाई कर सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में परमिशन लेने के लिए. द स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटीज वेरीफाई द फाइनेंशियल साउंडनेस, जो स्टॉक एक्सचेंज अथॉरिटी है वो वेरीफाई करेगी कि कोई भी कंपनी कितनी फाइनेंशियल साउंडनेस है, वो कितनी मतलब उसके पास कितनी कैपेबिलिटी है फाइनेंशियल की एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ द कंपनी अदर एस्पेक्ट इफ दे आर सेटिस्फाइड, अगर वो सेटिस्फाइड होंगे द नेम ऑफ द कंपनी इज लिस्टेड, तब कंपनी का जो नेम है वो लिस्ट हो जाएगा. इफ अ कंपनी डज नॉट गेट परमिशन फ्रॉम अ स्टॉक एक्सचेंज विद इन द 10 weeks
अगर कोई फर्म क्या है परमिशन नहीं पा रही है स्टॉक एक्सचेंज से विद इन 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन, जिस दिन सब्सक्रिप्शन का डेट का क्लोजर हुआ है लिस्ट, देन द अलॉटमेंट विल बिकम द वॉइड, जो भी अलॉटमेंट था वो ज़ीरो हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, एंड द मनी रिसीव फ्रॉम एप्लीकेशन मस्ट बी रिटर्न। और जो भी एप्लीकेशन आया था डिफरेंट सिक्योरिटीज़ का, वो भी जो रिसीव हुआ था उसको भी वापस कर दिया जाए। नेक्स्ट वन इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। सो आफ्टर गेटिंग द नेम लिस्टेड, जैसे ही नेम लिस्ट हो जाएगा, द कंपनी प्रिपेयर अ रिटर्न ऑफ द अलॉटमेंट। फिर कंपनी क्या करेगी, प्रिपेयर करेगी कि अलॉटमेंट को रिटर्न कर देगी। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या एक स्टेटमेंट है गिविंग डिटेल अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल द शेयर होल्डर, जिसमें क्या है नेम और एड्रेस जो है शेयर होल्डर का वो दिया होता है। द कंपनी हैज़ टू सबमिट अ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार स्टेटिंग द नेम, कि कंपनी को क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार, जिसमें इसका नेम है, एड्रेस एंड द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू ईच शेयर होल्डर, और कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं डिफरेंट शेयर होल्डर को, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या है वहाँ पे गिवन होती है। बिजनेस, ओके, सो आफ्टर सब्सक्राइबिंग द सिक्योरिटीज एंड रिसीविंग द After subscribing the securities and receiving the minimum subscription, the company applies to the registrar to issue the certificate of commencement of business. ठीक है, जैसे ही सब्सक्राइबर सब्सक्राइब सिक्योरिटीज के सब्सक्राइब के लिए वो कर देगा, तो रिसीव कर लेगा, जब भी रिसीव कर लेगा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी, द कंपनी अप्लाइज टू रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करेगी कि सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसको दे दें अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। सो अ कंपनी मस्ट फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, उस एप्लीकेशन के साथ। तो कंपनी क्या करेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को फाइल करेगी। तो उसमें क्या क्या होगा, अ डिक्लेरेशन डैट शेयर्स पेबल इन कैश हैव बीन सब्सक्राइब्ड फॉर अन मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव, कि उसमें डिक्लेरेशन ये होगा कि जो शेयर्स डिक्लेरेशन डैट शेयर्स पेबल इन कैश, शेयर्स जो हैं वो कैश में पेबल हुए हैं, हैव बीन सब्सक्राइब फॉर, उसी के लिए सब्सक्राइब हुए हैं, एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन हैज बीन रिसीव्ड, और जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन था वो रिसीव कर लिया गया। नेक्स्ट इज अ डिक्लेरेशन डेट एवरी डायरेक्टर हैज पेड इन कैश द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन हिज शेयर्स, एक वो डिक्लेरेशन होगा जिसमें हर एक जो भी एवरी डायरेक्टर वो क्या करेगा, हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन का वो अमाउंट पेड करेगा, एंड अलॉटमेंट मनी, जो भी अलॉटमेंट मनी शेयर्स पे उसने लिया है डायरेक्टर, वो भी उसको पे करेगा। नेक्स्ट इज अ डिक्लेरेशन डैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट, एक ये भी डिक्लेरेशन होगा कि कोई भी मनी पेंडिंग नहीं है कि जो एप्लीकेंट को पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज a declaration that above requirement have been complied with, okay, a declaration that above requirement have complied with, this declaration can be signed by the director on or the secretary of the company, ठीक है, ये जो declaration होगा उसको director और company का जो secretary है वो दोनों ही sign करेंगे। The registrar will verify all the documents, जो registrar है वो सारे documents को verify करेगा, and the declaration submitted by the company, जो भी कंपनी ने declaration submit किया है, if he is satisfied with the authenticity or the validity of these document, then he will issue a certificate of commencement of business, जब registrar satisfied हो जाएगा कि उसको authentic लगेगा, valid लगेगा सारे document, तब वो certificate for commencement of business भी issue कर देगा। द कंपनी कैन स्टार्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट, अब कोई भी कंपनी क्या है अपनी बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकती है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट, जिस दिन सर्टिफिकेट इशू होगा उस दिन से बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर सकती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सॉरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कंपनी के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं। सो देर आर
बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी. ठीक है, जो जिसकी एकदम मैंडेटरी है कि वो रजिस्ट्रार कंपनी के जो भी रजिस्ट्रार है उसको वो सबमिट करे इन द फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी अगर उसको फॉर्मेशन करना है तो दीज आर वो क्या है, फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट वन इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड द थर्ड वन इज प्रॉस्पेक्टस. सो फर्स्ट वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी का. इट इज़ कंसिडर्ड एट द चार्टर ऑफ द कंपनी. किसी भी कंपनी का ये डिक्लेरेशन होता है किसी भी कंपनी. इट कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी. इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी का कितना पावर है, कंपनी के पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, वो सारे कुछ दिया रहता है. इट ऑल्सो डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. ये बिजनेस का क्या स्कोप है, बिजनेस के क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन क्या है इसमें दी रहती है. इट कैन बी ऑल्टर्ड ओनली अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन मेड इन द कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग इट्स ऑल्टरेशन. ठीक है, ये तभी चेंज हो सकता है जब ये प्रोविजन में है कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उसको चेंज करना है उस कंडीशन पे ही इसमें सारे ऑल्टरेशन सारे चेंज हो सकते हैं. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइडर्स. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है वो क्या करता है, जो भी आउटसाइडर्स हैं लाइक क्रेडिटर्स, सप्लायर्स एक्सेट्रा, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू नो द लिमिटेशन एंड द स्कोप ऑफ द कंपनीज डीलिंग. कि कौन कौन से बिजनेस के लिमिटेशन हैं, कंपनी के क्या स्कोप हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन देता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ द आउटडोर मैनेजमेंट. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं. कोई भी आउटडोर मैनेजमेंट का मतलब एक प्रिंसिपल, कोई भी आउटडोर है मैनेजमेंट का मतलब जिसमें सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है वो ऑलरेडी गिवन होती है. ठीक है, सो कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सो डिफरेंट कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑलरेडी गिवन. सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेज. फर्स्ट वन इज नेम क्लॉज. सो दिस क्लॉज कंटेन द कंप्लीट नेम ऑफ द कंपनी. इस क्लॉज में क्या होता है, कंपनी का कंप्लीट नेम होता है. द कंपनी कैन चूज एनी नेम सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन. कंपनी क्या है, कोई भी नेम को चूज कर सकती है, बट कंपनी के पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे जिसको उसको फॉलो करना पड़े. सो द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड द विद द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड इन द केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. वो सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी है मतलब गवर्नमेंट कंपनी है, उसका जो भी नेम है जैसे ABC लिमिटेड, अगर वो गवर्नमेंट की है तो उसमें एंड में लिमिटेड होना चाहिए, और कोई अगर प्राइवेट कंपनी है तो एंड में प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल ABC लिमिटेड हो गया आपका पब्लिक कंपनी के लिए, और प्राइवेट कंपनी के लिए क्या हो गया, ABC प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, तो ये पहला रिस्ट्रिक्शन. द नेम शुड नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एनी अदर कंपनी. जो नेम है वो सिमिलर और आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए एनी अदर कंपनी से. द नेम शुड नॉट कंटेन द वर्ड कॉपरेटिव. कंपनी का जो भी नेम है उसमें टर्म कॉपरेटिव टर्म नहीं होना चाहिए. द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन और लिंक ऑफ द कंपनी विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. अब कोई भी कंपनी का नेम है वो उसमें कोई भी कनेक्शन, कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं दिखना चाहिए. जैसे वो कोई अपना नाम रखा और आगे क्या है भेल या कोई भी टर्म यूज़ कर दिया, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड या कोई भी टर्म ऐसा यूज़ कर दिया जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी वो डायरेक्टली लिंक करा, तो कोई भी कंपनी ऐसा काम नहीं कर सकती है. ऑल्टरेशन ऑफ द नेम क्लॉज मतलब कब वो ऑल्टर कर सकते हैं, कब वो अपने नेम क्लॉज नेम को चेंज कर सकते हैं. अ कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन. कंपनी अपने नेम को तभी चेंज कर सकती है एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे एंड बाय ऑब्टेनिंग अ रिटन अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो रिटन अप्रूवल लेगी, उसी के बाद कंपनी क्या है अपने नेम को चेंज कर सकती है. नेक्स्ट वन इज सिचुएशन और द डोमिसाइल, सॉरी सिचुएशन एंड द डोमिसाइल क्लॉज.
So this clause contains the name of the state in which the registered office of the company is to be situated. इसमें क्या होता है कि स्टेट का नाम होता है जहाँ पे वो रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहाँ पे उसका कोई भी कंपनी का ऑफिस है वहाँ पे वो वही उसी का नेम क्या है स्टेट का, कि जैसे यूपी में है, कि महाराष्ट्र में है, एमपी में है, तो ये सारा क्या है उसमें सिचुएशन उसका सॉरी उसमें क्या होता है नेम होता है स्टेट का, कि जिस स्टेट में वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है. सो इट इज़ नेसेसरी बिकॉज अ कंपनी गेट्स द रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द स्टेट ओनली. ये क्या है एकदम नेसेसरी है कि कंपनी को क्या है रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट से ही मिलेगा. द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ अ प्लेस वेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी आर केप्ट. कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस मेन वो है जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं वहाँ रखे रहते हैं. अ कंपनी मस्ट हैव द रजिस्टर्ड ऑफिस. कंपनी का क्या है एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स बिजनेस एक्टिविटी और विद इन 30 days ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन. कि जैसे ही कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती है उसका एक ऑफिस होना चाहिए, और जैसे ही वो स्टार्ट करे उसके 30 जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है रजिस्ट्रेशन के विद इन 30 days उसका एक एक रजिस्ट्रार एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होना चाहिए. नेक्स्ट वन इज ऑल्टरेशन ऑफ द सिचुएशन क्लॉज. सो द सिचुएशन क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड इन द फॉलोइंग वेज. कि जो सिचुएशन क्लॉज है वो किसी केस में क्या है वो